बॉलीवुड खलनायक जल्द ही साउथ सुपरस्टार यश की धमाकेदार फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वो यश के ऑपोजिट उनसे भिड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में संजय दत्त खलनायक अधीरा के किरदार में दिखाई देंगे। जहां एक तरफ संजय दत्त की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है, तो वही हर कोई बस ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है कि ये फिल्म आखिरकार कब रिलीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब संजय बाबा के फैंस के लिए गुड न्यूज है। वेल, आपको बता दूं कि बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त जल्द ही यश राज फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बाद एक और साउथ सुपरस्टार के साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वेल, आपको बता दूं कि संजय दत्त यश की फिल्म के बाद जल्द ही साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। वैसे भी महेश बाबू की अगली फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म है। वहीं रिपोर्ट तो ऐसे भी है कि फिल्म स्टार महेश बाबू और अलव एकट पुरमलो के फिल्म निर्देशक फिल्म त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए एक बार फिर से हाथ मिला लिया है। अब उनके इस एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी अंधाड़ू और खलीजा जैसी सुपरहिट फिल्में दे ही चुकी है। अब एक बार फिर से दोनों एक अपकमिंग फिल्मों में शुरू शुरू पर काम भी कर रहे हैं। खबरों की माने तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस फिल्म के लिए निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने बॉलीवुड फिल्म स्टार संजय दत्त को भी अप्रोच किया है। अगर खबरों की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म स्टार महेश बाबू सर इस फिल्म में निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने संजय दत्त को एक जबरदस्त किरदार ऑफर भी किया है। वही दोस्तों, सुनने में ये भी आ रहा है कि इस फिल्म में संजय बाबा मेन विलेन के किरदार में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि साउथ सुपरस्टार यश तारा केजीएफ चैप्टर 2 में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का दमदार अवतार दर्शकों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म में वो विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं। उनका किरदार अधीरा फिल्म के पहले पार्ट के साथ ही सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आप केजीएफ चैप्टर 2 के बाद संजय दत्त को महेश बाबू के साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।